एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत के अनुमान के बाद मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से बुलाई गई डिनर पार्टी में एनडीए के 36 दलों के नेता शामिल हुए। डिनर पार्टी में एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत मिलने के अनुमान के बाद मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से एनडीए के नेताओं के लिए एक डिनर पार्टी बुलाई गई। दिल्ली के अशोका होटल में हुई इस डिनर पार्टी में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के 36 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि एनडीए की इस डिनर पार्टी में 3 और सहयोगी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर अपना समर्थन दिया है। डिनर पार्टी में एनडीए के सभी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से जताया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जो गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें से 17 पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसी हैं जो इसी ईवीएम मशीन से चुनाव जीत चुकी हैं। तो जब जीती थी तब इनको कोई गड़बड़ी नहीं नजर आई ईवीएम्स में, और आज जब देश का पूरा मूड ये जान चुके हैं, हार निश्चित है, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं। देश ने अपने मन की जो चॉइस है वो वहां दर्ज कर दी है। कल वो नतीजे आएंगे और देश के मूड से ये जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी में फिर से विश्वास जताया है। जिसको नाचना नहीं आता वो आंगन को टेढ़ा ही महसूस करता है। मुझे लग रहा है कि आज की बैठक प्रेरणादायक रही है। हम सारे 5 साल जो एनडीए की सरकार चली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, सचमुच इस सरकार ने जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जो सेवा किया है, वो सेवा मैदान में दिखाई पड़ रहा था चुनाव के अंदर। और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे लिए तीर्थयात्रा थी। सचमुच में हम सब लोग अनुभव कर रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही थी, आशीर्वाद उनका मिल रहा था, और हर घर में बड़ा छोटा, जवान बूढ़े, सबके दिल में मोदी बसे थे। तो ये मोदी ने जो काम किया है, देश की जनता का अटूट विश्वास, आस्था गहरी हो गई है। जबकि लोग हारने लगते हैं तो कोई ना कोई बहाना खोजते हैं, और ईवीएम जब वो जीतते हैं तब वो ईवीएम की बात नहीं करते, ये सब अटर नॉनसेंस है ऐसा। सर, लेकिन इसी के ऊपर में बीजेपी ने भी क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल में रेज किए थे, जहां जैसे चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। ये देखिए साहब, ये लोग अपना हार मान चुके हैं, तो हार मान चुके तो बोल दीजिए हार मान चुके, बहाना बनाने क्या जरूरत है।